हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगे के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों फाइनली T20 वर्ल्ड कप जो कि खत्म हो गया है, इसी के साथ एक बार फिर से क्रिकेट लीग स्टार्ट हो गया है। इसी बीच में 1 जुलाई से लंका प्रीमियर लीग जो कि स्टार्ट हो गई है। तो आइए बात करते हैं टूर्नामेंट के पहले मैच में, जो कि लास्ट सेशन की 2 फाइनलिस्ट टीम जो कि बिल ऑफ कैंडी और दम्बुल्ला सिक्सर के बीच में यह मुकाबला खेला जाएगा। ये दोनों टीम 1 जुलाई को पहले खेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन मौसम में थोड़ी सी नमी रही, बारिश की भी संभावना, ह्यूमिडिटी 78% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं कि पिच एनालिसिस करते हैं, यह एक संतुलित विकेट है जिसमें अच्छी उछाल कैरी है, फास्ट बॉलर को नए गेंद से शुरुआत में कुछ मदद मिलेगी। वहीं अगर बात करें इनके विनिंग परसेंटेज देखें, जो कि बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 47% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 53% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनका एवरेज स्कोर 163 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 147 है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, दोनों टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, जो कि बिल ऑफ कैंडी 5 मैच जीत के आ रही, तो वहीं पे दम्बुल्ला सिक्सर 4 मैच जीत के आ रही। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहले टीम बिल ऑफ कैंडी का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। बिल ऑफ कैंडी ने 2024 सीजन के लिए अपनी टीम में कई बेहतरीन ऑलराउंडर शामिल किए हैं, जहां पर वानुद्दीन हसरंगा एक बार फिर से संतुलित टीम की कप्तानी करेंगे, जो कि टीम टाइटल डिफेंड करेगी। इस साल टीम में फकर जवान नहीं है, उनके पास अभी 2 ओपनिंग विकल्प मौजूद है जिसमें दिनेश चांडीमल और कमिंदू मेंडिस है। इस टीम में बड़े हिटिंग ओपनर की लिस्ट में काफ़ी लंबे, जहाँ पर आंद्रे फ्लेचर और आजम खान है। ऑलराउंडर की लिस्ट में आपको कायल मेयर्स और चतुरंगा देव सिल्वा जैसे कुछ बड़े नाम शामिल है, वो भी वहीं पर अनुभवी एंजेलो मैथ्यू भी बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि कैंडी को उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करने में देरी करनी चाहिए। वे दर्शन शंकर जैसे अन्य प्लेयर को आजमा सकते हैं जो एक मैच फिनिशर है। अब बात करते हैं बिल ऑफ कैंडी का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि आंद्रे फ्लेचर है, दिनेश चांडीमल है, कमिंदू मेंडिस है, एसन बांद्रा है, चतुरंगा देव सिल्वा है, वनिधु हसरंगा, काइल मेयर से मोहम्मद हसनैन है, दुष्यंत चमीरा, कसुन रजिता है, लक्षण संदाकन है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि आंद्रे फ्लेचर है, दिनेश चांडीमल है, वनिधु हसरंगा। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी दम्बुल्ला सिक्सर का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। इस बार दम्बुल्ला के पास बहुत मजबूत बॉलिंग अटैक है, वो कैंडी के साथ हिसाब बराबर करने की उम्मीद करेंगे। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के बावजूद दम्बुल्ला पिछले साल फाइनल में बैटिंग करते हुए सिर्फ 147 रन पर ही आउट हो गए थे। इस साल उनके पास अफगानिस्तान के हजरतुल्ला जजाई और इब्राहिम जादा जैसे कुछ बड़े खिलाड़ी ऑलराउंडर के तौर पर उनके पास अनुभवी इफ्तिकार अहमद भी है। पिछले साल के कुछ बड़े नाम जो मौजूदा टीम में नहीं है, उनके अविष्का फर्नांडिस, कुशल मेंडिस और कुशल परेला शामिल है। यहाँ पर जजाई को असेला गुरनाथे के साथ ओपनिंग करना चाहिए मिडिल ऑर्डर में, जहाँ के नुआंदू फर्नांडिस तीसरे नंबर पर आएंगे, उसके बाद इफ्तिकार या इब्राहिम जादन जैसे अनुभवी खिलाड़ी आएंगे। जहाँ पर धनुष्का गुरनाथकला के पास काफ़ी एक्सपीरियंस, वो श्रीलंका के ओपनिंग कर सके हैं। वहीं पर अकेला धनंजय बॉलिंग अटैक का हिस्सा बने रहेंगे, उन पर नजर भी रहेगा। वहीं पर नुआन तुषाराव, मधुशंका के अलावा सिक्सर मुस्तफिजुर रहमान की भी उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं दम्बुल्ला सिक्सर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि असेला गुरनाथे, हजरतुल्ला जजाई है, नुमान फर्नांडे, धनुष्का गुथनाटका, इब्राहिम जादरा ने, दुशान मेहता है, करीम जनत है, अकीला धनंजय, दिलशान मधुशंका, नुआन तुषारा, मुस्तफिजुर रहमान है। अब बात करते हैं कुछ की प्लेयर देखते हैं, जो कि हजरतुल्ला जजाई है, नुआन तुषारा, मुस्तफिजुर रहमान है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। कैंडी के पास अधिक अनुभवी प्लेयर है और जहाँ तक टीमों का सवाल है, वे बहुत मौजूद दिख रहे हैं। हालांकि दम्बुल्ला के पास पिछले सीजन का स्टार बैटर की कमी है, फिर भी उनके पास कुछ अच्छे बॉलर भी जो गत चैंपियन को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। बिल ऑफ कैंडी के पास इस मुकाबले में लीड है, जो जिसको देखते हुए मैच विनर भी हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल ऑफ कैंडी होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।